आपके डैडा के लिए है, डैडा आ रहे हैं, मम्मा डैडा के लिए लाई। हेलो जी, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हाँ जाओ बिस्किट लेके आओ। तो अभी मॉन्टी गई थी स्कूटी लेने, क्योंकि स्कूटी को दिया था हमने सर्विसिंग पे। और कैसी कैसी हो यार? होगी मस्त लग रही है यार। अपने गंदे पैर रखने में थोड़ा शर्म आ रही थी यार, गंदी हो गई यार पैर से। हाँ इधर बाहर इतना ज्यादा कीचड़ हो रखा है ना, इतना ज्यादा गंदा हो रखा है। हाँ चल चलते हैं, ठीक है। तो अभी मैं और मॉन्टी थोड़ा सा बाहर तक जा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा घर का सामान लेना है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। मॉन्टी स्कूटी में तेल भरवा के भी ला गई और सर्विसिंग भी करवा के ला दी उसकी। कल बाइक की भी करवाई, स्कूटी की भी करवा दी। स्कूटी का अलग ही लग रही है। अलग क्या लग रही है? चला लेगी ना, गिराएगी तो ना मेरे को। अपनी कर रही आगे से ना, उसके वो जो है ना स्टार्ट हो गई थी एकदम से ही। हाँ लगा दिया। कुछ किया भी है उन्होंने या फिर ऐसे? प्राण ने मुझ में सुसु कर दिया यार। किसी ने उल्टी करता है, किसी ने सुसु करता है, किसी ने पोटी करता है। करता क्या है तेरा बेटा? वही तो समझ ना आ रहा है। गिरना मत, बहुत गंदा हो रहा है भाई। यार कोई यहाँ पे सड़क बनवा दो, कैसे जाएंगे हम? मैं फिसल गई थी अभी। बहन खुद तो निकल ली। ए मुंडे छी यार, इससे अच्छा तो अपना उतरो गांव की रोड है। सीरियसली यार इतना कीचड़ हो रहा ना इधर, पूरी रोड रोड थोड़ी हुई है। अपने गंदे पैर अपनी नई नवेली धनों पे कैसे रखें? कर दी तूने गंदी? तेरा हाथ भी बहुत चोट लगी और मेरे और गंदे हैं पैर। हाँ ब्रो, डर तो लगेगी, 2 महीने बाद बैठ रही हूँ तेरे पीछे। अब भूल गई हो तो गाड़ी चलाना। तो 2 दिन से चलाने में फ़र्क ना है 2 महीने से ना चलाई। 2 दिन में तो सीखी तू बड़ी मुश्किल से। आराम से चल, पूरी रोड तोड़ रखी है भाई। नहीं बचाएगी मेरे को, फरकाएगी तू मेरे को। बारिश के कट गए। हाँ दांत जाएंगे ना जब कट के चक्कर में। तुझे तो अपने सर पे बस बहन, तुझे तो अपने सर पे लिखाना चाहिए कि मैं अनट्रेन हूँ। बहन ऐसे करते हैं, साइड में उतर जाते हैं। मोंटी
बढ़िया है। गाइस हम घर आ चुके हैं पूरा भीग भाग के। और तुम्हें तो पता क्या हुआ, हम जा रहे थे सब्जी लेने वहाँ पे, मतलब मंडी लगी हुई थी बड़वाला में, हमें पता नहीं था पर रास्ते में हमें दिख गई तो हमने कहा ले लेते हैं। अब मंडी वहाँ पे स्कूटी लगा रही थी और छोटी सी दुकान है वहाँ पे, तो सबकी गाड़ियाँ वहीं पर खड़ी थी। अंकल शायद उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रखे थे और मंडी लगा रही थी गाड़ी, तो आंटी ने बोला बेटा आगे लगा दो, आगे पे कुत्ता था। तो मैंने कहा आंटी कुत्ता नहीं हट रहा, यहीं पे हम दो मिनट में आ रहे हैं। तो आंटी जैसे प्यार प्यार से बोलती, अंकल अंदर से कुट 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 करने लगे, चिल्लाने लग गया। फिर वहां पे आंटी बोली कि अंकल चिल्ला क्यों रहे हो, फिर मेरी से भी तो बात होती है। फिर मेरी खोपड़ी हो गई खराब। मैं चली अर्चू मैडम, नहीं अर्चू मैडम गई और बोली क्या, मैं सीधा गई अंकल पे, क्या है क्यों चिल्ला रहे हो, हम चिल्ला रहे हैं क्या आप पे? वो फिर मोंटी मुझे पकड़े, अरे बहन चल चल चल। मैंने कहा ना छोड़ छोड़ मोंटी, चुपड़ के मैं क्या हो गया अंकल? मैंने कहा आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं, सरकार की है ना, सड़क में लगा रहे। अंकल चुप हो गया। टैक्स भर उनको, जिनके बल्कि मंडी लगा रही है उनको पूछो टैक्स भरते हो, ये वो। मैंने कहा हमारा हेडेक नहीं आपका हेडेक है। अंकल का अलग ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा बेचारे लोगों की कमाई देख के, अंकल की बिक्री नहीं हो रही ना इसीलिए। मैं तो अंकल को बोल दे, मैंने कहा अंकल को मैं मुंह पे गाली दे दी मैंने। मैंने कहा क्या दिमाग खराब कर दिया था, मैं प्यार से बात कर रहे हैं, अंकल अकड़ रहा है। मैं बोल दिया हम आपसे बदतमीजी कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, आप भी प्यार से बात करो। आंटी सही थी, अंकल बिगाड़ था। फिर अंकल चुप हो गया, फिर हम निकल गए। जब प्रहान को लिया, प्रहान भी उठ गया, जल लिया जैसे भीग जाएगा। तो गाइस क्या क्या करना पड़ता है, खुशबू आ रही है इससे कुछ ज्यादा ही, उन्होंने इत्र वितर डाल दिया इसमें और मुझे खुशबू से एलर्जी है तुम्हें पता है। मंटी भीगे ना, सर पे टॉवल डाल रखा, सर पे कुछ नहीं दे रखा उसके, अरे बूंदा बांदी पड़ जाएगी, पहले इसको जुकाम लग रखा। हाय बेबी, हाय, ये बिंदी किसने लगाई है, ये बिंदी किसने लगाई है, ये बिंदी हटा यार उसकी बिंदी ये दादी बिंदी लगाती है, सुंदर लग रही है, किसकी सुंदरी है, मम्मा की हैंडसम। अच्छा आपको रोज चाहिए, आपके डैडा के लिए है, डैडा आ रहे हैं, मम्मा डैडा के लिए लाई। खुशबू बहुत आ रही है। हाँ यार इतनी खुशबू पसंद नहीं है मुझे, मुझे भी। बंद कर दिया दरवाजा, तो गाइस पहले तुम्हारे जीजू बोल रहे थे कि वो एक हफ्ते में आएंगे, फिर बोल रहे थे अभी कुछ पता नहीं है, और अभी कह रहे हैं कि मैं आज रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ इसलिए मुझे भीगते भागते जाना पड़ा। हाँ रे मोंटी, हाँ पता नहीं, चल बर्तन धो, चलो बेटा बर्तन। तो गाइस हमारा लंच क्यों बोलती हूँ यार मैं बार बार, डिनर। तो मोंटी अभी कर रही है स्किन केयर, बैठी है अपना डब्बा लेके, और हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है। और मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि अरे अरे, तो मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि प्रकाश की रात की फ्लाइट है, ठीक है, ले इसको पकड़ दो एक मिनट। मैं ये बोलने वाली थी कि प्रकाश की अभी रात की फ्लाइट है, तो मे बी अभी तक वो दिल्ली पहुंच चुका होगा और कह रहे हैं कि सुबह मैं पहुंच जाऊंगा। मतलब सब कुछ इतना अचानक से हो रहा है, और अभी प्रकाश का एक कॉल आ रहा है, पहले उससे बात कर लेती हूँ फिर आती हूँ ब्लॉग में। कि फ़्लाइट दिल्ली पहुंच चुकी है और अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या वो कह रहा है कि मैं सुबह 4:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अब मैं रेडी हूँ मोंटी की ना, सुबह 4:30 बजे पहुँच जाएगा, और 4 बजे उठ के मतलब कौन तैयार होगा यार। प्रकाश ना मतलब मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है मुझे तो पहले यही नहीं हो, मेरे को लगा कल तो बोल रहा है कि डाउन हुआ, और आज बोल रहा है कि मैंने रात की फ्लाइट से आ रहा हूँ, और अभी कह रहा है कि मैं सुबह पहुँच जाऊँगा, पहले कह रहा था कि लेट आऊँगा। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रेडी हूँ या ना हूँ, तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे रेडी होना चाहिए क्या मोंटी? सुबह रेडी होना चाहिए मुझे, सुबह 4:30 बजे से रेडी स्टार्ट हो जाना।
सुबह नहीं होंगी यार मैं अब रेडी। चलो गाइस देखते हैं क्या होता है, मैं सुबह रेडी होती हूँ कि नहीं। और फिलहाल तो मैं अभी सोती हूँ क्योंकि मेरा सोना ज़रूरी है, मैंने सुबह 4 बजे उठना है। तो मिलते हैं तुम्हें सुबह, तब तक के लिए तुम व्लॉग में बने रहो, ठीक है? गुड नाइट। अभी मेरे बेटे ने मेरा आईफोन का चार्जर फिर से तोड़ दिया। एक मोटी ना तोड़ा था, अभी मैंने ये खरीदा था, तुम्हें पता ही होगा, इसको लिए हुए शायद ही 4 महीने हुए होंगे और प्रहान ने तोड़ दिया। फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, तभी ऐसे क्यों होता है भले। वैसे कल मॉर्निंग तक प्रकाश आ जाएंगे, फिर मैं उसका चार्जर यूज़ कर लूँगी, बट अभी मेरे पास इसमें इतनी बैटरी नहीं है कि मैं इसे, मुझे सुबह तक चलाना पड़ेगा। चुप भाई, तुम लोगों में से कोई इसके ऊपर बैठा है? क्योंकि मैंने फोन वहीं पे रखा रहता, इतना प्रहान इतना भारी नहीं है। मैं कहाँ, माँ को थप्पड़ मारूंगी।